हे गाइस, दिस इज तुषार एंड आज आपके लिए एक दोबारा एक कस्टमाइजेशन वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जैसे मैं आपको पहले ही इंट्रो दिखा चुका हूँ, सेम वैसे ही लुक आपके स्मार्टफोन को दूंगा एंड वो कौन सी एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो खैर चलिए हम इस वीडियो की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड कौन से वॉलपेपर। सो हमें यहाँ पे चार एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड एक वॉलपेपर की। एंड वन पॉइंट दोस्तों, अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको एक फ़ायदा होगा। वो क्या फ़ायदा होगा वो तो आपको डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमें पहला एप्लीकेशन जो पड़ेगा वो होगा सुपर विजर प्रो, दूसरा हमारा होगा नोवा लॉन्चर, तीसरा होगा हमारा यूरोपिया एंड चौथा होगा हमारा रेंडो। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा, अब चलिए हम अपने वॉलपेपर को सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा वॉलपेपर सेट हो गया। अब चलिए हम अपने नोवा लॉन्चर को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल गया, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करिए, देन डार्क थ्री पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट, देन इम्प्रेसिव एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, आप स्वाइप अप पे क्लिक करें एंड अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों यह फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, दोबारा हम ओपन कर लेंगे इसे। तो हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा नोवा लॉन्चर का। सिंपली हम यहाँ से अपने सारे वेस्ट एप्लीकेशन को होम स्क्रीन से हटा देंगे एंड उन छः को रख देंगे जिनको हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जो हमें आमतौर पे ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं वहाँ पे छः एप्लीकेशन को रख देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। तो दोस्तों सब सेट हो गई हमारी होम स्क्रीन। अब चलिए हम कुछ सेटिंग कर लें अपने नोवा सेटिंग में। तो हम सिंपली स्वाइप अप करके अपने मेन्यू को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि नोवा सेटिंग, ये रहा हमारा नोवा सेटिंग, इसे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप फ्रंट पे देख रहे हो कि नॉट सेट एज डिफॉल्ट, तो हम इसे सिंपली डिफॉल्ट पे सेट कर लेंगे। ये क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जब भी ओपन करोगे तो आपका वही लॉन्चर ओपन हो, इसलिए डोंट वरी, आप वापस आ सकते हो वो लॉन्चर पे। तो चलिए अब डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड आइकॉन एंड लॉट पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आपको सिर्फ आइकॉन की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा देनी है एंड लेवल को ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि कौन चीज़ क्या है तो हमें लेवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा डेस्कटॉप का काम। अब चलिए हम बैक पे आते हैं एंड डाउन स्क्रॉल करते हैं, यहाँ है पेज इंडिकेटर, हम इसे नन पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया हमारा काम डेस्कटॉप का। अब चलिए हम बैक चलते हैं एंड देन ऐप एंड विजिट ड्रॉअर पे सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए हम नीचे देखते हैं, स्वाइप इंडिकेटर को हम ऑफ कर देते हैं एंड बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को 100% कर देते हैं। ये क्यों, क्योंकि हमने जो अभी वॉलपेपर सेट किया था वो हमें मेन्यू में भी शो होगा। आई विल शो यू हाउ। सो ये हमारा हो गया सेटिंग। अब चलिए हम नीचे आते हैं डॉक पे, डॉक पे सेलेक्ट करेंगे हम एंड यहाँ से हम चलेंगे डेस्क बैकग्राउंड पे। यहाँ से दोस्तों हम रेक्टेंगुलर से हम सेलेक्ट कर लेंगे प्लेटफॉर्म को एंड ट्रांसपेरेंसी को 100% बढ़ा देंगे, जिससे कि हमें स्वाइप अप करने में भी आसानी होगी एंड कुछ दिखेगा भी नहीं। सो ये हो गया हमारा डॉक का काम। अब चलते हैं लुक एंड फील पे, यहाँ से आइकॉन थीम पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड रेडो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ से ऐप एनिमेशन को, सॉरी हम इसे, हाँ इसे स्पीड कर देंगे एंड स्क्रॉल स्पीड को भी हम फास्टर देन लाइट कर देंगे। ये आपकी मर्जी है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि स्लो करें तो आप स्लो भी रख सकते हो एंड फास्ट भी रहो तो वो भी रख सकते हो। सो हमारा हो गया उसे सेट। अब चलिए आइकॉन को हमें एडजस्ट कर लेते हैं उसके साइज के हिसाब से। सो ये थोड़ा सा गैप है, इसे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों होम स्क्रीन हो गया है सेट। अब चलिए विजिट पे चलते हैं। तो सिंपली आपको स्क्रीन पे थोड़ी देर होल्ड करना है एंड देन आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा एंड आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ से एक कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ होम स्क्रीन पे रख दीजिए, देन फिर उसे होल्ड करिए एंड देन रिसाइज कर दीजिए एंड मैंने जैसे एडजस्ट किया आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। ये एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली उस पर एक बार क्लिक करनी है, देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम। सिंपली आपको यूरोपिया पे क्लिक करना है एंड देन आपको वो विजिट सेलेक्ट करना है जो मैंने शो किया। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी विजिट सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सो मैं फिलहाल अपनी वाली सेलेक्ट करता हूँ।
तो स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं। ये रहा मेरा पसंदीदा। ये हमारा विलेट है, तो इसकी साइज़ हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके। ये साइज़ बढ़ गई। अब दोस्तों यहाँ पर क्लॉक को सेट कराऊंगा क्योंकि ये 24 आवर्स में है, तो इसे 12 आवर्स में बदलना होगा। तो हम सिंपली नीचे जाके इसे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट में, देन यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके उसे एडजस्ट कर देंगे। दोस्तों ये एडजस्ट हो गया। अब आप चाहते हो अगर दोस्तों कि इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड पे आप क्लिक करो और एक एप्लीकेशन खुले, तो आप उसे भी एडजस्ट करते हो। सिंपली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वेनेसडे पे जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कैलेंडर ओपन हो। मैंने वहाँ पे सेटिंग्स में गया, एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कैलेंडर को सेलेक्ट कर लूँगा, इससे मैं जब भी वेनेसडे पे क्लिक करूँगा तब वॉलपेपर ओपन होगा, सॉरी गैलरी ओपन होगी। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कैलेंडर ओपन होगी। ये हो गया सेट। चलिए हम बैक चलते हैं। ऐसा आपको इंटरफेस मैंने वादा किया था, यानी आपको मैंने दे दिया ऐसा इंटरफेस। अगर आपको नहीं मिला होगा, कोई प्रॉब्लम ये होगा, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दिस इज तुषार, गुड बाय।